घरवा करेला बनाने का बिल्कुल नया और आसान तरीका बताने जा रही हूँ, जो कि शायद ही आपने कभी बनाया होगा। और ये मिनटों में बनके तैयार हो जाता है, कड़वा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक गुप्ता क्रिएटिव रेसिपी। मैं हूँ कविता। चलिए बनाना शुरू करते हैं। स्टफ करेला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मोटे वाला करेला लिया है और ये काफ़ी अच्छा बनता है। तो मैंने इसके दोनों साइड से कट कर लिया है और अच्छे से वॉश कर लिया है। और ये करेले के ऊपर के जो लाइन लाइन से निकले हैं, आप चाहते इसको निकाल सकें, लेकिन मैं इसको छील नहीं रही हूँ। अब हम इसे कट कर लेंगे और जो इसके अंदर के बीज है इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह से सारे करेले का बीज हम निकाल लेंगे। सारे करेले से मैंने बीज निकाल लिया है, जो कच्चे बीज है उसको मैंने साइड कर लिया है और जो पक गए हैं उसको अलग कर दिया है। तो अब हम एक मिक्सी जार लेंगे और इसमें जो कच्चे बीज है इसको हम डाल लेते हैं। साथ में अदरक, लहसुन और हरी मिर्च भी डाल लेंगे और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। इसको ग्राइंड कर लेंगे दरदरा। आप देख सकते हैं इसका बीज भी अच्छे से पिसा गया है। इस तरीके से खाने में मुँह में भी बिल्कुल भी नहीं आएगा और टेस्ट भी ख़राब नहीं लगेगा। तो चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस के ऊपर मैंने फ्राई पैन रख दिया है। अब इसमें हम तेल डाल देंगे, आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, अजवाइन डाल देंगे और आधा चम्मच सौंफ डाल देंगे। सारे चीज़ें अच्छे से पक गया है तो अब इसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 5 से 6 प्याज लिया है जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। प्याज को भी हम कुछ देर तक भूनेंगे जब तक इसमें कलर नहीं आ जाता है। और आप देख सकते हैं इसको कुछ देर तक हो गया भूनते हुए, तो इसका कलर भी चेंज होने लगा है। तो अब हम इसे पीसा हुआ करेले का बीज डाल देते हैं ताकि वो भी साथ में भुन जाएगा। प्याज भी अच्छे से भुन गया है तो अब इसे बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और साथ में मसाले भी डाल लेते हैं। तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे, गरम मसाला डाल देंगे, आमचूर पाउडर डाल देंगे, अगर है तो डाल दीजिए, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। नहीं डालेंगे तो भी कड़वा नहीं लगेगा। और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है, इससे बहुत ही प्यारा कलर आएगा। और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। तो फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही नमक पड़ता है, तो आप टेस्ट देख लीजिएगा। सभी को अच्छे से मिला लेंगे और इसे हम ढककर लो आंच पर पकाएंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा। इसे ढककर रखे मुझे कुछ समय हो गया है और आप देख सकते हैं टमाटर पहले से गल गया है। तो चम्मच की सहायता से अच्छे से जो मोटे मोटे टमाटर है उसको मैश कर लेंगे और ये हमारे स्टफिंग बनके तैयार हो गया है। मसाला बहुत ही चटपटा बना हुआ है तो गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। मसाले भी ठंडे हो गए हैं तो अब हम सभी करेले में भर लेते हैं स्टफिंग। फ्रेंड्स, करेले को मैंने स्टीम नहीं किया है इसलिए थोड़ा सा इसमें समय लगता है स्टफिंग भरने में, नहीं तो बाकी करेले जब बनाएंगे तो उससे बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है। तो इसमें भर लिया है, बाकी का भी हम इसी तरह से भर लेंगे सभी में। सभी करेले मैंने स्टफिंग भर लिया है, फिर भी 2-3 करेले के लिए बच गया है। तो आप इसे और भी बना सकते हैं या पराठे के साथ खा लीजिए, बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। चलिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस के ऊपर मैंने कुकर रख लिया है और इसमें आधा गिलास से भी बहुत ही कम पानी डाल दिया है ताकि करेला लगे नहीं। अब इसे हम एक एक करके सारे करेले डाल लेंगे। अब इसके ऊपर हम 1 चम्मच के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे ताकि सारे करेले में नमक चला जाए, क्योंकि हमने पहले नमक इसमें नहीं लगाया है। और इसका ढक्कन लगाकर 1 सीटी आने तक पकाएंगे। 1 सीटी आ गई है और मैंने गैस बंद कर लिया है। तो अब हम इसका गैस निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से गल गया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स करेले की सब्जी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स, स्टफ करेला बनाने का सबसे आसान तरीका है इस तरीके से स्टफिंग करके स्टीम कर लीजिए और जब आपको खाने का मन हो तो इसे फ्राई कर लीजिए। तो चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं फ्राई करने के लिए। तो गैस के ऊपर मैंने फ्राई पैन रख लिया है और थोड़ा सा तेल डाल देंगे और एक एक करके सारे करेले को फ्राई करेंगे जितना हमें खाना होगा। सभी को उलट पुलट कर सेक लिया फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं ये करेला बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है, इसमें ज़्यादा तेल भी नहीं लगा है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। और इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो कैसे लगी मेरी आज की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर कॉल कर लीजिएगा। जो साइड में छोटी सी घंटी है उसको प्रेस करना नहीं भूले फ्रेंड, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।